जय गुरु। धनतेरस की सभी को शुभेच्छा। चलिए आज धनतेरस की शुभ मुहूर्त और महत्व के ऊपर आलोचना करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। 5 दिन के दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, साथ ही माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का भी विधान है और महाकाली, माँ सरस्वती और गणेश जी की भी पूजा किया जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कलश में अमृत था और उन्हें गॉड ऑफ आयुर्वेद माना जाता है। और इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर भी समुद्र मंथन के टाइम में प्रकट हुए थे। यह पर दिन नारक चतुर्दशी नवंबर 3 तारीख, दिवाली नवंबर 4, गोवर्धन पूजा नवंबर 5 और भाईदूज नवंबर 6 तारीख को मना जाएगा। और एक इसी दिन का भी पौराणिक व्याख्यान है, राजा हिम के 16 साल की राजकुमार का शादी के 4 साल के बाद सर्पाघात से मृत्यु कुंडली के हिसाब से लिखा है। लेकिन इस दिन उनके धर्मपत्नी घर का चारों तरफ लैंप और दिया में जलाए थे और उनके बेडरूम में सोना और चांदी के कॉइन्स ऑर्नामेंट्स रख दिए थे और रात भर वो अति सुंदर संगीत और कहानी उनके हस्बैंड को सुना रहे थे। और अभी इसी दिया के लाइट और कॉइन्स ऑर्नामेंट्स के लाइट के चलते यमा देवता, जो कि मृत्यु देवता, वो अंधा हो गए थे। वो सपरे के रूप से आए थे और वो रात भर अति सुंदर संगीत सुन के सुबह शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए थे। तो इसी दिन भी यमा दीपादा के हिसाब से माना जाता है। तो इस दिन भी दक्षिण दिशा में यमा के नाम में एक दिया भी जलाया जाता है। इस दिन खरीदारी की भी परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सोना, चांदी, गाड़ी, बर्तन, कपड़े आदि खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन शुभ करना शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि पूरा दिन बाजारों में खरीदारी ही करते रहे। इसके लिए शॉपिंग अगर शुभ मुहूर्त में ही की जाए तो बेहतर होता है। इसी दिन दक्षिण दिशा में दीपदान भी करते हैं। इतना भी नहीं, इस दिन यम के नाम का दिया जलाते हैं। जाने धनतेरस के दिन किस शुभ मुहूर्त में शॉपिंग कर सकते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सुबह के समय खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो सुबह 11:30 से आप खरीदारी कर सकते हैं। वही अगर सोने चांदी की आभूषण खरीदने के लिए शाम 6:17 से 8:12 तक का शुभ मुहूर्त है। वहीं धनतेरस के दिन दोपहर 2:50 से 4:12 तक का समय राहुकाल का रहेगा। कोशिश करें कि धनतेरस के दिन राहुकाल में शॉपिंग भूलकर भी ना करें। और अगर आप घर के लिए बर्तन आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो शाम 7:15 से 8:15 तक बर्तनों की शॉपिंग कर सकते हैं। धनतेरस तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 11:31 से ही हो रही है और तिथि का समापन 3 नवंबर सुबह 9:02 होगा। बता दें कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है और इसमें करना शुभ होता है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से शुरू होकर रात 8:11 तक है। इस दिन यम के नाम का दीपक शाम 5:35 से 6:53 तक का है। धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से देवता धन्वंतरी देव की
पूजा करें, साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाना ना भूलें। जय गुरु।